हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों लेके आए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक ट्रिकली वाइज, जिसके अंदर दोस्तों हरियाणा के ऋषि तीर्थ, देवी तीर्थ या ऋषि मुनि या दोस्तों आश्रम से संबंधित या दोस्तों महाभारतकालीन जितने भी तीर्थ बनते हैं सारे के सारे दोस्तों हम बहुत कम टाइम के साथ कवर कर लेंगे। और लास्ट में दोस्तों एक सेल्फ टेस्ट भी लेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि ये क्वेश्चन हमें याद भी हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों कुछ पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लें। पार्ट 200 क्वेश्चन की सीरीज का दोस्तों हमने 3 पार्ट आज अपलोड किया है, वो एक बार जरूर देख लें। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों सारे के सारे तीर्थ, सारे के सारे आश्रम और सारे के सारे महाभारत से संबंधित तीर्थ है आपको याद हो जाएंगे। आप सेल्फ टेस्ट लेके भी खुद का चेक कर सकते हो। हल्की हल्की ट्रिक के साथ दोस्तों हम रिलेट करते चलेंगे और निशानियां करते चलेंगे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों, स्थानेश्वर के अंदर वैसे ही थानेश्वर आ रहा है, तो थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसकी हमें ट्रिक बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भद्रकाली मंदिर या भद्रकाली मंदिर तीर्थ, ये दोस्तों थानेश्वर में है। और नाभि कमल तीर्थ भी दोस्तों हमारा थानेश्वर में है। जो नाभि कमल तीर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट है, लेके चलें इसको। भगवान विष्णु के जन्म से ये संबंधित है। याद देखिए किसे करेंगे, एक विष्णु नाम का बंदा है, एक कमल नाम का बंदा है। एक विष्णु नाम का बंदा है, कमल नाम का बंदा है। विष्णु ने कमल के नाभि में चोट मारी। विष्णु ने कमल के चोट कहाँ मारी है, नाभि में। और नाभि में इतनी ज्यादा चोट लगी कि उनको थाने में भी जाना पड़ा। और थाने में जाते ही जब थानेदार ने पूछा कि इसकी नाभि में चोट क्यों मारी, तो विष्णु ने क्या जवाब दिया कि इसकी नाभि काली थी। भद्रकाली के अंदर क्या आ रहा है, काली आ रहा है। इसकी नाभि काली थी इसलिए मैंने इसकी नाभि में चोट मारी, विष्णु ने कहा। किसको कहा, कमल को। कमल की नाभि में चोट मारी विष्णु ने, ठीक है। जब थानेदार ने थानेश्वर को थाना पड़ेंगे, तो थानेदार ने पूछा कि इसकी नाभि में चोट क्यों मारी, तो विष्णु का क्या जवाब आया कि इसकी नाभि क्या थी, काली थी। इसके साथ दोस्तों हम हल्की सी फनी के स्ट्रिक के साथ हम कवर कर लेंगे एक ही लाइन में। अरुणाय तीर्थ दोस्तों हमारा कुरुक्षेत्र में है। अरुणाय तीर्थ और अरुणाय तीर्थ, इसमें कोई ट्रिक बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर जगह पूछी जाएगी। ब्रह्म योनि तीर्थ दोस्तों पिहोवा कुरुक्षेत्र में है, तो ब्रह्म सरोवर का रिलेट करके हम चलेंगे, तो वैसे ही याद रहेगा, ठीक है। इसको भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अदिति तीर्थ। ऐसे अदिति हो जाता है, ऐसे अमीन हो जाता है, इसमें भी दोस्तों हमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। सोम तीर्थ की बात करते हैं। सोम तीर्थ गुमथला गड्डू कुरुक्षेत्र के अंदर है। गुमथला गड्डू दोस्तों याद कैसे करेंगे सोम तीर्थ को, सोम को पढ़ेंगे श्याम, ये ऊपर वाली इसकी जो मात्रा है वो उठा देंगे, ठीक है। श्याम, और हम गुम हो जाते हैं कब, श्याम को। गुम हो जाते हैं कब, हम श्याम को, ऐसे याद करेंगे। गुम हो जाते हैं, गुम कब होते हैं, हम शाम को गुम हो जाते हैं, ठीक है। और हम गुम तो नहीं होते, जब अंधेरा हो जाता है कि हम कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं, तो ये हमारा बहम होता है। और बहम मैं जब जब बोलूं तो यूं समझ लेना ब्रह्म सरोवर की हम बात करें, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। बहम का मतलब हमेशा क्या रहेगा, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। तो शाम को हम गुम हो जाते हैं लेकिन गुम नहीं होते, ये हमारा बहम होता है, तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों काम्यक तीर्थ, और काम्यक तीर्थ जो है वो है हमारा कमोदा के अंदर, कमोदा कुरुक्षेत्र। कैसे काम्य, कैसे कमोदा, इसमें भी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। ओजस का मतलब होता है दोस्तों अचानक, ओजस का मतलब होता है अचानक। शमशीपुर कुरुक्षेत्र में, अगर शमशीपुर ऑप्शन दिया जाएगा याद कैसे करेंगे, अचानक अचानक शमशीपुर को पढ़ेंगे दोस्तों समस्या, शमशीपुर को क्या पढ़ेंगे समस्या। और अचानक समस्या आ जाए तो क्या याद आते हैं हमें, भगवान, क्या याद आते हैं, भगवान। और भगवानपुर स्थल और गीता स्थल कुरुक्षेत्र से संबंधित है। अचानक समस्या आ जाए, ओजस का मतलब अचानक, अचानक समस्या आ जाए तो समस्तीपुर, समस्तीपुर कुरुक्षेत्र के अंदर, तो हमें भगवान याद आते हैं। इसी ट्रिक के साथ इसको हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिपुरारी तीर्थ। त्रिपुरारी तीर्थ दोस्तों तिगरी कुरुक्षेत्र, ये भी त्रि से संबंधित है, ठीक है, आपस में मैच हो रहा है, इसको भी याद करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रहेगा दोस्तों हमारा प्राची तीर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लेके चलें प्राची तीर्थ को। प्राची पैसे, प्राची और पैसे पे होवा, इसमें भी दोस्तों कोई ट्रिक बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसे प्राची और पैसे पे होवा, पे होवा हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। शुक्र तीर्थ की बात करते हैं, सतोड़ा कुरुक्षेत्र में है। शुक्र के दिन व्रत रखना चाहिए, लेकिन तोड़ा नहीं जाना चाहिए, व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शुक्र के दिन रखा हुआ व्रत जो है कभी नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान जो है बुरा मानते हैं इस चीज से, ठीक है। भगवानपुर स्थल हमारा कहाँ हो जाता है, कुरुक्षेत्र। तो शुक्र तीर्थ हमारा जो है सतोड़ा कुरुक्षेत्र में है। शुक्र के दिन जो व्रत रखते हैं वो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान बुरा मानते हैं। इसी हल्की सी लाइन के साथ दोस्तों इसको हम कवर कर लेंगे। गालन तीर्थ दोस्तों हमारा गुलडेहरा कुरुक्षेत्र। गय से गालन आता है, गय से गुलडेहरा आता है, वैसे भी याद कैसे करेंगे। देखो एक और भी ट्रिक है, गाल जो हमें गाड़ देगा,
उसके साथ हम गल थोड़ी करेंगे, गुलडेहरा को गल पढ़ लेते हैं, ठीक है, गाल जेगा उसके साथ ओंदे नाल हम गल थोड़ी करेंगे, गल का मतलब पंजाबी भाषा में गल करना, बात करना मतलब, ठीक है। तो गाल जो देगा ओंदे नाल हम गल नहीं करेंगे, भगवान उसको माफ़ भी नहीं करेगा, जो गाल देगा उसको कौन माफ़ करेगा, कोई माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसी ट्रिक के साथ इसको भी हम कवर कर लेंगे। विषम कुंड नरकतारी कुरुक्षेत्र, विषम के अंदर मतलब होता है भसम होना, विषम का मतलब क्या होता है, भसम होना, और भसम दोस्तों होना का मतलब है नरक में जाना, एक टाइप से भसम होने का मतलब क्या होता है, नरक में जाना, ठीक है। तो भगवान ही बेचते हैं हमें, नरक या स्वर्ग कौन बेचते हैं, भगवान बेचते हैं, ठीक है। तो नरक में जाना मतलब होता है भसम होना, या भसम होना मतलब होता है हमारा नरक में जाना, ठीक है, और भगवान ही तो बेचते हैं नरक और स्वर्ग में। तो इसी ट्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। बाणगंगा तीर्थ दोस्तों हमारा दयालपुर कुरुक्षेत्र के अंदर है, याद कैसे करेंगे, बाणगंगा के अंदर बाण पड़ेंगे, और बाण कौन चलाते हैं, जिनके अंदर दया की भावना नहीं होती, जिन लोगों के अंदर दया की भावना नहीं होती वही तो बाण चलाते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान उनको भी माफ़ नहीं करता। बाण चलाना किसी पर भी एक पाप के जो भागीदार ही तो माना जाता है, ठीक है, तो बाण चलाएगा तो उसके अंदर दया की भावना नहीं होगी, ठीक है, भगवान उसको भी माफ़ नहीं करेगा। ज्योति सरोवर दोस्तों सभी को पता है कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों है भूरी सरवा तीर्थ, हमारा बोर सुदान कुरुक्षेत्र के अंदर, वैसे भूरी सरवा होता है वैसे बोर सुदान होता है, इसमें दोस्तों याद करने की हमें जरूरत नहीं है। करण का टीला दोस्तों सभी को पता है मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, करण का टीला, करण दोस्तों अगर हम ट्रिक बनाएं इसकी, करण बहुत मिर्जापुर को पढ़ेंगे मजा लेता है, करण बहुत मजा लेता है, ठीक है, क्योंकि उस पर भगवान का हाथ है, किसका यह हाथ है भाई, कोई इंसान बहुत मजे ले रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, बहुत जी से ले रहा है कहने का मतलब, ठीक है, तो क्यों कर रहा है ऐसा वो, क्योंकि भगवान का उसके ऊपर हाथ है ना, उसके सर पे ऊपर वाले ने हाथ रखा हुआ है, तभी तो वो जी से ले रहा है, तभी तो मतलब एंजॉय कर रहा है, खुश रह रहा है, मजा ले रहा है, तो मिर्जापुर को मजा पड़ेंगे, ऐसे कवर कर लेंगे। नवग्रह कुंड दोस्तों पता है सभी को, कैथल। नेक्स्ट है हमारा अष्टकुंड तीर्थ, अष्टकुंड तीर्थ को दोस्तों कैसे याद करेंगे, अष्टकुंड, आठ कुंड बने हुए हैं, ठीक है, अष्टकुंड का मतलब आठ कुंड, और आठ कुंड जहां बने हुए हों तो वहां शाम को नहीं जाना चाहिए, पता नहीं कौन से कुंड में हम गिर जाएं, ठीक है, कहने का मतलब हुआ जहां आठ कुंड बने हुए हैं और शाम हो गई, अंधेरा हो गया, वहां आप क्यों जाओगे भाई, वहां अंधेरा हो चुका है, वहां ना जाना चाहिए, वहां हम गिर सकते हैं, कुंड के अंदर कहीं भी गिर सकते हैं, तो जहां आठ कुंड बने हुए हैं वहां शाम को नहीं जाना कम से कम, ठीक है, सवेरे में या रोशनी में जाना चाहिए। तो शाम सभी को पता है भिवानी से संबंधित है। सूर्य कुंड दोस्तों, सूर्य कुंड सभी को पता है कपाल मोचन या यमुनानगर, सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहां लगती है, कपाल में, हमारे सर में, ऐसी ट्रिक के साथ भी कवर कर सकते हैं। तो सूर्य कुंड जो है वो कपाल मोचन कुरुक्षेत्र, सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा कपाल में ही, सबसे पहले कपाल में ही लगती है। शिव कुंड की बात करें तो शिव कुंड और शीला कुंड दो कुंड है सोना के अंदर गर्म पानी के चश्मे हैं, जिसमें चर्म रोग जो है हमारा ठीक होता है, शिव, ठीक है, शिव दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ जोड़ी किसकी मानी जाती है, सबसे सोहनी जोड़ी किसकी मानी जाती है, शिव और पार्वती की, सभी को पता है, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेदव्यास वनस्थली, वेदव्यास क्या कर रहे हैं, वनस्थली की बात कर रहे हैं, वेदव्यास वनस्थली से वैसे वह और वैसे वनस्थली हमारा हो जाता है, इसमें कोई ट्रिक बनाने की हमें जरूरत नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ और ये याति, विश्वामित्र वशिष्ठ और ये याति, ये तीनों के तीनों दोस्तों पेहोवा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। विश्वामित्र, विश्व के अंदर जब सी सी करके हवा चलती है, ठीक है, तो वो कभी यहाँ जाती है, ये यहाँ ये याति को पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है, तो विश्व के अंदर जब सी सी करती हवा चलती है, पेहोवा के अंदर हवा उठा रहे हैं, सी सी विश्व के अंदर सी सी वशिष्ठ के अंदर सी उठा लिया, ठीक है, तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो विश्वामित्र हो जाएगा, सी सी का वशिष्ठ हो जाएगा, ये यहाँ से ये याति हो जाएगा, इसी के साथ हमारे पेहोवा कुरुक्षेत्र से संबंधित ये तीनों के तीनों तीर्थस्थल में याद हो जाते हैं। मार्कंडेया दिदीची, ये दोस्तों कुरुक्षेत्र से है, मार्कंडेया से मार्कंडेया हो जाता है, कुरुक्षेत्र हो जाता है, इसमें हमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की बात कर लेते हैं, जो कुबेर कुटिया कुरुक्षेत्र से संबंधित है, याद करेंगे चेताया किसको जाता है, जिसके साथ हमारा क्या हो, बेर हो, बाद में कूटा जाता है, कुटिया को कूटा पड़ेंगे, ठीक है, पहले किसी के साथ बेर हो तो उसको चेताया जाता है, ठीक है, किसी के साथ क्या हो, बेर हो तो चेताया जाता है, फिर कूटा जाता है, ठीक है, लेकिन ये बात गलत है, किसी को कूटना पीटना प्रभु भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य का मतलब अगस्त चल रहा है, और अगस्त में हमें कहाँ जाना चाहिए, अगस्त में हमें भगवान को याद करना चाहिए और कुरुक्षेत्र के अंदर जरूर जाना चाहिए, इसी ट्रिक के साथ इसको भी कवर कर लेंगे। वैसे दोस्तों ये सभी को पता है अगस्त्य ऋषि हमारा कुरुक्षेत्र से संबंधित है। उदलक श्याणा महेंद्रगढ़, उदलक
ठीक है। उदलक का मतलब पढ़ लेते हैं उदम, उदम करना मतलब लड़ाई करना, उदम का मतलब क्या होता है लड़ाई करना, शरारत करना, उदम करने का मतलब। तो याद कैसे करेंगे, उदम करना, उदम करना, जो स्याणा होगा। अब महेंद्र स्याणा तो है लेकिन उदम करता है, शरारत करता है। महेंद्र नाम का बंदा है, स्याणा तो है लेकिन उदम करता है, शरारत करता है। स्याणा जरूर है महेंद्र, ठीक है, लेकिन उदम, उदम का मतलब होता है शरारत करना, ठीक है, लड़ाई करना, ये मतलब होता है। तो उदलक स्याणा महेंद्रगढ़। तो चयन ऋषि दोस्तों डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ पर स्थित है। इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे, चयन का मतलब चयन करना किसी चीज का, डोसी को पढ़ेंगे डोसे जो खाने वाली चीज होती है, और महेंद्र खाने वाली चीजों में किसको पसंद करता है सबसे पहले, डोसे को। सबसे पहले महेंद्र को बोला जाए कि चयन करो खाने वाली चीजों को, तो सबसे पहले किसको चयन करता है, वो डोसे का, ठीक है। और डोसे खाएगा किसके साथ, सलाद के साथ, और खाएगा भी बहुत, भागवत को क्या पढ़ेंगे, बहुत, भागवत को क्या पढ़ेंगे, बहुत। बात किसकी हो रही है, महेंद्र की। महेंद्र जो है चयन करता है डोसे का, पिपलाद को पढ़ेंगे सलाद, सलाद के साथ खाता है और खाता है बहुत है, भागवत को पढ़ेंगे बहुत, ठीक है। महेंद्रगढ़ की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है। कपिल मुनि दोस्तों सभी को पता है कलायत के थल से संबंधित है। दुर्वासा दोस्तों सभी को पता है, दूब लवन दैसे दुर्वासा, दैसे दूब लदन झज्जर से संबंधित है। चौरंगीनाथ का दोस्तों सभी को पता है स्थल बोहर रोहतक से संबंधित है। मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ और बाबा चौरंगीनाथ से रिलेटेड बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पराशर, और पराशर ऋषि जो है वो बहलोलपुर करनाल से संबंधित है। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखो परा रहना चाहिए लुल लोगों से, जो लुल लोग होते हैं ना, ठीक है, जो लुल लोग होते हैं बहलोलपुर में, लुल उठा लेंगे हम, जो लुल लोग होते हैं उनसे क्या रहना चाहिए, परा रहना चाहिए हमें, ठीक है। करण लुल लोग है बिल्कुल, ठीक है, करण जो है लड़का वो लुल है बिल्कुल, इससे हमें परा रहना चाहिए। परा रहना मतलब दूर रहना, पंजाबी में पराम बोलते हैं, परामर ऐसे, ठीक है। तो पराशर ऋषि जो है वो बहलोलपुर करनाल से संबंधित है। गौतम ऋषि गोंदर करनाल, गैसे गौतम, गैसे गोंदर और करनाल, ठीक है, हमारा हो जाता है। परशुराम जो है दोस्तों वो राम राय हद जींद से संबंधित है, राम राय हद जींद से संबंधित है, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि परसों मैंने राम को देखा, परसों मैंने किसको देखा, परसों मैंने राम को देखा जींद में, परसों मैंने किसको देखा, राम को, राम को कहाँ देखा, जींद में, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, राम राय या राम हद हमारा कहाँ स्थित है, जींद के अंदर, और परशुराम को पढ़ेंगे परसों, और परसों मैंने राम को देखा जींद में, एक लाइन के साथ हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन दोस्तों एक से दो क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट के अंदर तीर्थ, महाभारत तीर्थ या दोस्तों आश्रम से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे। एक बार वीडियो जरूर देख लें और दोबारा से, ताकि रिविजन के साथ हमारे सारे के सारे जो है पक्के हो जाएंगे। तो ले लेते हैं दोस्तों एक सेल्फ टेस्ट। तो सबसे पहला ही है दोस्तों शिवकुंड तीर्थ। शिवकुंड तीर्थ हमारा कहाँ स्थित है, चलो ट्रिक के साथ याद करते हैं। शिवकुंड दोस्तों शिव और पार्वती की जोड़ी दुनिया के अंदर सबसे सोहनी मानी गई है, सबसे क्या मानी गई है, सोहनी मानी गई है। तो शिवकुंड तीर्थ हमारा कहाँ जाता है, सोना के अंदर। शिलाकुंड तीर्थ भी दोस्तों कुंड जो बना हुआ है वो हमारे सोना के अंदर है, जिसे चर्म रोग जो से संबंधित बीमारियां जो है वहां पर स्नान करने से, नहाने से जो है दूर होती है। नेक्स्ट दोस्तों अष्टकुंड जो पहाड़ी पर बना हुआ है, अष्टकुंड का मतलब होता है दोस्तों आठ कुंड, और आठ कुंड पर हमें कब नहीं जाना चाहिए, शाम को नहीं जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, शाम को, तो शाम के अंदर। और तो शाम दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, भिवानी में, इसी के साथ हमारा ये भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अरुणाय तीर्थ। अरुणाय का अरुणाय ही था, कुरुक्षेत्र से संबंधित था, ठीक है, अरुणाय का क्या था, अरुणाय ही, और संबंधित किससे था, कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पिपलाद ऋषि आश्रम। पिपलाद को पढ़ा था सलाद, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, सलाद, और सलाद बहुत खाता था बहुत, भागवत, सलाद बहुत खाता था भागवत, भागवत को हमने पढ़ा था बहुत, ठीक है, तो बहुत महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्र जो था वो सलाद बहुत खाता था च्यवनप्राश के साथ, ठीक है, तो च्यवन डोसी की पहाड़ी, ठीक है, उसके साथ हमने ये रिलेट करके पढ़ा था अभी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अगस्त्य ऋषि, और अगस्त में दोस्तों हमें कहाँ जाना चाहिए, भगवान के घर जाना चाहिए, कुरुक्षेत्र में जाना चाहिए, इसके साथ हमने अभी जस्ट ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों हमारा पराशर ऋषि आश्रम, आज का लास्ट है पराशर ऋषि आश्रम। पराशर ऋषि आश्रम दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर है, ठीक है, पराशर ऋषि आश्रम स्थल बोहर, राम राय हद, बहलोलपुर या दुबलवन। इतने ये एक क्वेश्चन का रिप्लाई दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। वीडियो को दोस्तों एक बार जरूर और देख लें दोबारा, ताकि सारे के सारे महाभारत से संबंधित तीर्थ है, ऋषि मुनि तीर्थ है, या दोस्तों देव तीर्थ है, या दोस्तों हमारे आश्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए टॉपिक के साथ ट्रिकली वाइज, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।